नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वाइट रमेश पे। तो दोस्तों, आज की स्टडी में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों अपने व्हाट्सएप के स्टेटस को अपनी गैलरी में कैसे सेव कर सकते हो बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से। दोस्तों, आज की स्टडी में आपको एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ, उस सेटिंग को आप ऑन कर लोगे दोस्तों आपके व्हाट्सएप के स्टेटस सारे की अपनी गैलरी में सेव हो जाएंगे और आपको देखने को मिल जाएंगे अपनी गैलरी में ऑटोमेटिक डाउनलोड ऑलरेडी। तो दोस्तों, वो क्या सेटिंग है और उसको कहाँ से ऑन करना है और आपके व्हाट्सएप के स्टेटस आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है और कंटिन्यू देखना है अगर, और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को भी लाइक कर दे। दोस्तों, जरा भी टाइम इसके चलते अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पे और दोस्तों मोबाइल की होम स्क्रीन के बाद में आपको एक एप्लीकेशन सर्च करनी है, यहाँ पे गूगल फाइल। दोस्तों, ये वाली एप्लीकेशन पे आपको सिंपली क्लिक करना है और इसके बाद में सिंपली आपको थ्री लाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप थ्री लाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको सेटिंग देखने को मिलेगी, सो हिडन फाइल्स, इसको आपको सिंपली ऑन कर लेना है। अगर आप योग हो तो ऑन कर लेना है आपको। दोस्तों, आप ये जैसे सेटिंग ऑन कर लेते हो उसके बाद में सिंपली आपको बैक चले जाना है। दोस्तों, आप पूरा बैक आते हो। दोस्तों, आप जैसे बैक आते हो उसके बाद में सिंपली आपको अपने व्हाट्सएप में चले जाना है और अपने स्टेटस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई सा भी स्टेटस को देख लेना है, जो भी आपको स्टेटस देखना हो। जैसे कि मैं ये स्टेटस देख रहा हूँ इस प्रकार। दोस्तों, मैं एक स्टेटस ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों, देख सकते हैं इस प्रकार मैंने एक स्टेटस ओपन कर लिया है। इस स्टेटस को मैं पूरा देख लेता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं इस प्रकार मैंने ये स्टेटस को पूरा देख लिया और यहाँ से मैं सिंपली बैक चला जाता हूँ। दोस्तों, अब मैं जैसे ही पूरा बैक आता हूँ उसके बाद में सिंपली आपको फाइल मैनेजर पे चलना है आपको अपने फोन में। और दोस्तों, फाइल मैनेजर के बाद में सिंपली आपको फोन स्टोरेज पे क्लिक करना है और फोन स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद में आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ से सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और दोस्तों, आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे एक फोल्डर देखने को मिलेगा एंड्रॉइड का, इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से सिंपली आपको अपने मीडिया वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों, जैसे आप मीडिया वाले सिलेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे com.whatsapp को क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको वापस व्हाट्सएप पे क्लिक करना है और व्हाट्सएप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से सिंपली आपको मीडिया वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, आप जैसे ही मीडिया वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ से सिंपली आपको डॉट स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से आप देख सकते हो, जो भी मैं स्टेटस देख रहा था अभी वो व्हाट्सएप पे, वो आपको यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे ही आते हो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार ढेर सारे आपके स्टेटस जो भी लगे थे व्हाट्सएप में वो सारे स्टेटस यहाँ पे शो कर रहे हैं, ऑलरेडी सेव हो चुके हैं ये स्टेटस। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपली ओपन करके भी दिखाता हूँ कि ये वाला जो मैं स्टेटस देख रहा था अभी, ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, अपनी गैलरी में सेव है या नहीं है। तो दोस्तों, देख सकते हैं इस प्रकार। तो दोस्तों, देख सकते हैं आपने देखा अभी वीडियो में मेरा स्टेटस ऑलरेडी सेव है यहाँ पे और इसको मैं यहाँ से अपनी गैलरी से अपने व्हाट्सएप में भी लगा सकता हूँ और अपने किसी भी फ्रेंड के पास या अपने व्हाट्सएप में भी यहाँ से शेयर भी कर सकता हूँ इसको। तो दोस्तों, इस स्टेटस को शेयर करने के लिए सिंपली आपको इस पर प्रेस करके रखना है और यहाँ से आप सिंपली मूव भी कर सकते हो और शेयर पे क्लिक करके यहाँ से अपने फ्रेंड के पास में किसी भी। तो दोस्तों, यहाँ से सिंपली इस स्टेटस को व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हो, इंस्टा पे शेयर कर सकते हो, किसी भी फोल्डर में शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप किसी भी शेयर कर सकते हो आप किसी को। तो दोस्तों, इस ट्रिक की मदद से आपने किसी भी व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हो ऑलरेडी, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और साथ चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक डेली मिलते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।